चुके हैं, दरिसीन था, देख सकते हैं। हाँ, पापड़ है, राजस्थानी अचार है सर। क्या है सर ये? सर ये राजस्थानी अचार है। क्या खासियत है सर? सर ये कौन सा अचार है? ये सर आपका अदरक का जिंजर का अचार है। जी जी जी, ये राजस्थान का सबसे मशहूर अचार है, ऑल इंडिया में सबसे बेस्ट माना जाता है। तो सर राजस्थान बीकानेर का अचार माना जाता बीकानेर। है बीकानेर, राजस्थान बीकानेर स्पेशल अचार। बिल्कुल, यहाँ पर एक ही जगह सारे ऑल अचार एक ही जगह मिलेंगे। जैसे मीठे अचार भी बोलते हैं, स्वीट स्पाइसी भी मिलेगा, स्पाइसी भी मिलेगा। और यहाँ पर मशहूर होते जैसे राजस्थान बीकानेर का रहता है, एक ओल का, केर का, एक लिसोड़ा का अचार। बीकानेर तो एक ब्रांड है भैया। तो आप बीकानेर से हैं क्या? एक्चुअली हम डिस्ट्रिक्ट उसी डिस्ट्रिक्ट से हैं, बीकानेर डिस्ट्रिक्ट से हैं। और सबसे बेस्ट एक ब्रांड भी है, और राजस्थान बीकानेर का सबसे बेस्ट अचार भी सर ये बीकानेर का है। अचार भी है सर, पापड़ भी है। सबसे बेस्ट कितने तरह का अचार रखे हैं सर? हमारे पास 35 तरह का अचार है। इसका मिनिमम प्राइस या मैक्सिमम? मिनिमम प्राइस सर हमारा रहता है 100 पीस, और मैक्सिमम प्राइस 80 रुपीज़। यस, बहुत अच्छा लगा। हर एक आप देख सकते हैं, हर एक वैरायटी के अचार रखे हैं, अदरक, नींबू, करेला, जिंजर और गार्लिक मिलेगा, मिक्स मिलेगा, एक ये आपका जैक फ्रूट का मिलेगा, और एक लेमन स्वीट स्पाइसी लेमन स्वीट मिक्स रहेगा, और गार्लिक रेड चिल्ली और ड्राई फ्रूट मिक्स मिलेगा। सबसे ड्राई फ्रूट आइटम्स और काजू बादाम इमली ड्राई फ्रूट्स वगैरह सारा मिक्स रहेगा। जी जी जी, ये ओनली स्वीट्स में रहेगा। हाँ, एक स्वर के लिए सबसे बेस्ट रहेगा सर आंवला मुरब्बा। जी जी, ये आंवला मुरब्बा का अचार रहेगा सर, मीठा वाला। यस, इसको कैसे तैयार करते हैं भैया? सर हम ये ऐसा होता है, आंवले को पहले उबालते हैं, उसके बाद इसे एक मीठा जो बोलते हैं ना सर मीठा शुगर में इसे डालते हैं, उसके बाद ये करीब 15 दिन तक रखा जाता है, उसके बाद इसको बनाया जाता है। थैंक यू सर, आपसे जानकारी लेके। आप देख सकते हैं यहाँ पर आंवले का, हाँ इधर देख सकते हैं, हाँ चूड़िया फिरोजाबाद की मशहूर चूड़िया दर्शाया गया है। सृष्टि बैंगल स्टोर फिरोजाबाद शहर की मशहूर चूड़िया का सेल लगा हुआ है। आप देख सकते हैं काफ़ी वैरायटी में चूड़िया को दर्शाया गया है। हाँ सर, क्या नाम है आपका? कॉल आया लो। अरे कितने कितने तरह की चूड़िया रखे, इससे क्या खूबिया है? इसमें सब आइटम मिलेगा, सब कलर का डिजाइन कलर सब मिलेगा। 50 में चार आएगा, कोई भी 50 में चार आएगा, कोई सा भी लीजिए, 50 कोई सा भी लीजिए, आप कलर डिजाइन ये देख सकते हैं आप, 50 में चार, कोई सा भी डिजाइन कोई सा भी कलर 50 में चार मिलेगा इनके पास। पूरा सेट 350 का है। थैंक यू। देख सकते हैं सर इधर भी काफ़ी आर्ट है, जो नाम से लिखा हुआ है यहाँ पर रिंग मिलेगा, लव यू, यहाँ नाम भी लिखवा सकते हैं, यहाँ नाम भी लिखवा दे, अब यहाँ लेटर से नाम भी लिखवा सकते हैं आप अपना यहाँ पर। तो सर आप कहाँ से? बनारस से। ये बनारस भैया, बनारसी बाबू हैं ये, बनारस से कलाकार द्वारा दिखाया गया है। लकड़ी के चाबी के छल्ले में नाम लिखवाएं मात्र 2 मिनट में। देखिए 14 फरवरी का स्पेशल गिफ्ट है। जी जी, देखिए 14 फरवरी का स्पेशल गिफ्ट बनाए हुए हैं, ये देख सकते हैं 14 फरवरी का स्पेशल गिफ्ट तैयार किया गया है, जो कपल लोगों को काफ़ी पसंद आएगा और ये गिफ्ट चल सकता है। थैंक यू सर दिखाने के लिए। इधर आ जाइए सर, ये भी देखिए। इस जगह एक सबसे मशहूर किचन के लिए सबसे बेस्ट एक आइटम में सब कुछ आप बना सकते हो, जैसे बोलते सर ये इसका नाम है अप्पा मसाला। जैसे सर हम तो यस अप्पा मसाला सर ये साउथ का प्रोडक्ट है, साउथ का तमिलनाडु मदुरई का प्रोडक्ट। जैसे जी। सर हम तुम घर पर बनाते हैं ना गोभी चिल्ली, पनीर चिल्ली, आलू मंचूर, उसका रेडीमेड मसाला, कुछ आपको करना नहीं है सर, आपको लेना मसाला। ये देखिए एक मिनट में आपको बना के दिखाता हूँ, टेस्ट करा के भी दिखाऊंगा सर। सर आपको लेना मसाला, मसाला लिया, मसाले में सर आपको कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है। मसाले में ऐड करना तो ओनली सर आपको लेना पानी, ओनली सर पानी। जी सर आपको पानी मिलाना है, केवल मसाला लेना है, मसाले में ऐड करना है पानी, ना तो सर आपको इसमें नमक मिलाना, ना मिर्ची, ना बेसन, ना कलर, नो साल्ट, नो चिल्ली, नो पाउडर, नो कलर। सर आपको ओनली मसाला लेना है, मसाले में थोड़ा सा पानी। जैसे सर घर पे गेस्ट बनाते हैं ना, घर पे गेस्ट आते हैं, बच्चे वगैरह आते हैं, तो उसमें को आपको करना नहीं है, थोड़ा सा मसाला लेना है, मसाले में कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। ये आपका सर बन गया बेसन की तरह पेस्ट। जैसे सर हम तो घर पे पकौड़ी बनाते हैं ना, गोभी के, आलू के, पनीर के, करेले के, लौकी के, भिंडी के। जी जी जी। आपको लेना है सर ओनली गोभी। एक्चुअली सर मेरे पास गोभी है तो गोभी लूंगा, आपके पास कोई भी इंग्रेडिएंट्स हो सकता है, जैसे गोभी, आलू, पनीर, करेला, लौकी, भिंडी, मशरूम, दिस इज नॉट कोई भी आइटम्स। ओके, मेरे पास गोभी है तो गोभी ले आए, आपके पास कोई भी इंग्रेडिएंट्स होता है, सीधा डिप करना और फ्राई करना है। और सर जैसे मैं वेज बनाता हूँ
वैसे आप नॉन वेज भी बना सकती हो, जैसे नॉन वेज चिकन है, मटन है, मछली है, मुर्गा है, बॉयल अंडा है, उसको भी आप बना सकते हो। सीधा डिप करना, फ्राई करना, जैसे घर पे गेस्ट आ जाते हैं तो एक मिनट में पकौड़ी भजिया बनेगा सर। ये साउथ का रेडीमेड मसाला बोलते हैं, इसका नाम है अप्पा मसाला। तमिल इसमें नमक वमक कुछ नहीं मिला सर, इसमें केवल मसाला लेना होता, मसाले में सिर्फ एक ही चीज़ ऐड करना, वो है पानी। इसमें नमक मिर्ची बेसन कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी है। आप सर टेस्ट भी कर सकते हैं, एक मिनट में पकौड़ी भजिया बनती है सर। ये देखिए टेस्ट करके दिखाऊंगा सर आपको। और इसमें जो इसका मेन चीज़ होता है ये 24 वेजिटेबल्स नाम है अप्पा मसाला, गोभी मंचूरियन बोलते हैं सर इसे। इसमें बनता है वेज, इसमें बनता है सर जी नॉन वेज। नॉन वेज में बोलते हैं सर जी, ये देखिए नॉन वेज चिकन चिल्ली। चिकन चिल्ली में आप कोई भी आइटम्स बना सकते हो। इसका एक्सपायरी डेट होता है, जैसे आप पैकेट को ले गए 3 ईयर तक एक्सपायरी नहीं होता सर जी। खुला हुआ पैकेट 3 साल रखोगे, ख़राब नहीं होता। एक पैकेट 250 ग्राम का आता है, एक पैकेट में 3 से लेकर 4 kg कोई भी वेट बना सकते हो। टेस्ट कर सकते हो सर, टेस्ट फ्री रहेगा सर। प्लेट लेके आना बेटा एक मिनट। तो देख सकते हैं भैया कि एक एक अप्पा मसाला इन्होंने इस मेला में देखा है, जो कोई भी गोभी पकौड़ा कोई भी आप इंग्रीडियंट्स बना सकते हैं और कुछ भी आपको, सबसे खासियत है कि इसमें कुछ भी नहीं डालना है आपको सिवाय पानी का। तो हम भी टेस्ट करते हैं, देखते हैं कि ये कैसा है, चूँकि हम भी एक दिस इज नॉट साइड इफेक्ट, कोई साइड इफेक्ट वाली चीज़ नहीं सर। जो इसका इंग्रीडियंट्स होगा, आप इंग्रीडियंट्स भी लिखा होता है, ये साउथ का मसाला होता है, घर पर होम डिलीवरी भी फ्री है सर। क्या प्राइस पड़ता है भैया सर? एक पैकेट 70 ये आपका 700 रुपये का 2 पैकेट आता है सर, 100 रुपीज के 2 पैकेट। वेज एंड नॉन वेज दोनों मिला के भी ले सकते हो, एक पैकेट 50 रुपीज। बिल्कुल आप देख सकते हैं एक पैकेट 50 रुपीज का है, वेज और नॉन वेज दोनों हैं, जिसमें yes. चिकन चिली चाइनीज से संबंधित कोई भी चीज़ इसमें बना सकते हैं हम। और ये होगा स्पाइसी होगा, टेस्टी होगा सर। इनका कहना है कि कोई मसाला ना डालते हुए भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, और स्पाइसी होगा और टेस्टी होगा। तो आज हम भी टेस्ट करते हैं इनका डिश को, क्योंकि हमें भी थोड़ा बहुत होटल का नॉलेज है और होटल में मैं जॉब भी कर चुका हूँ, तो मैं टेस्ट करके बता सकता हूँ कि कैसा रहा इनका गोभी पकौड़ा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे गोभी पकौड़ा है जो मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ, कैसा रहा। काफ़ी गरम गरम लग रहा है, क्रिस्पी भी लग रहा है देखने में, क्रंची होगा, स्पाइसी होगा सर, बहुत जानदार। भैया इसमें यदि हम लोग उसमें टमाटो सॉस या ग्रीन सॉस देते हैं, चाट मसाला डाल देते हैं और बेहतर हो जाएगा। बहुत बढ़िया लगा ये, एकदम बिल्कुल क्रंची है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इन्होंने जो बोला वो लगा हमको सर। नहीं बात इसमें विदाउट कलर अपने आप कलर आता है, कलर भी अपने आप आता है। देख सकते हैं कि ये वाइट गोभी डाले हमारे सामने, आपके सामने भी दिख रहा है कि वाइट गोभी डाले, कोई कलर नहीं डाले, इसमें रेड कलर पकड़ लिया। इसकी सबसे बड़ी खूबी है इसको क्या बोलते हैं, अप्पा मसाला इसका नाम है सर, तमिलनाडु का रेडीमेड गोभी मंचूरियन मसाला। ये गोभी चिल्ली है, गोभी चिल्ली बना दी है अप्पा मसाला के द्वारा, और काफ़ी क्रंची है खाने में भी और विदाउट कलर है। सर मेरा नाम गौरव यादव है और सर मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ, तमिलनाडु मदुरई से। थैंक यू गौरव जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा हुआ, हमको बहुत अच्छा लगा आपका पकौड़ा। थैंक यू उधर में सर कमरा, ठीक है। मैं सत्यम, बुलेट न्यूज़।